साइंस के प्रश्नों के साथ पहाड़ों पर चढ़ते समय संतुलन बनाने के लिए मनुष्य को आगे की ओर झुकना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश की ओर फेंकी गई वस्तु धरती की ओर खींची चली आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की होती है वो अपनी तरफ खींचती है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर बचना हो तो कोई चीज जैसे रॉकेट है तो उसकी स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से फ्री हो सकती है। चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो। फुल मून डे यानी लूनर एक्लिप्स पूर्णिमा के दिन लगता है। लोहे का गैल्वनीकरण जिंक धातु से होता है। पेपर में पूछा गया था कि जो लोहे पर जो जिंक धातु चढ़ाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण। दूध का दही में बदलना रासायनिक क्रिया है। पानी में जब बर्फ घुलती है तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान सूर्य को ग्रह नहीं मानता लेकिन भारत का ज्योतिष शास्त्र सूर्य को ग्रह मानता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के अवयव हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। एक्सरेज की खोज विलहम कॉनराड रोएंटजन ने की थी। ये जो WC रोएंटजन है इनको 1901 में एक्सरे की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और बाय चांस वो पहला नोबेल पुरस्कार था इतिहास का जो दिया गया था। फिजिक्स में मिला था उनको, फिजिशियन थे ये, फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिक वैज्ञानिक थे, तो एक्सरेज की खोज की इन्होंने। अब आ जाएंगे हम लोग जीके की तरफ, ट्रेडिशनल जीके जो हम लोग रेगुलर करते ही हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद यानी बट वृक्ष, बड़ का पेड़ जो। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, यही भारत की सबसे लंबी नदी भी है। राष्ट्रीय अभिनंदन नमस्कार, ऐसे हाथ जोड़ करके, और कोरोना काल में ये वाला अभिनंदन, ये जो ग्रीटिंग्स का प्रोसेस, ये जो सिस्टम था हमारा, खूब प्रसिद्ध हुआ पूरी दुनिया में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। राष्ट्रीय जल जीव गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन। लोकसभा की वर्तमान सीटें 545 हैं, 545, जिनमें से 543 चुने हुए सदस्य होते हैं तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 2024 तक रहेगा, क्योंकि जो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्य चुनता है वो चुनता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, लेकिन 2024 के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय को जो ये रिजर्वेशन दी जाती थी वो खत्म की जा चुकी है। राज्यसभा की वर्तमान सीटें हैं 245, इसमें से 233 चुने हुए सदस्य हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। ये जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति इनको चिन्हित करता है, मनोनीत कर देता है, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, डांसर्स हैं, सोशल वर्कर हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, अलग अलग फील्ड, साइंटिस्ट हैं, जज हैं, अलग अलग फील्ड से जो भी होते हैं, जिन्हों जो इन सरकार को लगता है कि ये उनके अनुसार अच्छे हैं तो उनको मौका देती है सरकार रिप्रेजेंटेशन का, और राष्ट्रपति उनको चुनते हैं। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं 80। राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें भी उत्तर प्रदेश में हैं 31। विधानसभा की सबसे अधिक सीटें 404 उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें 403 चुने हुए सदस्य होते हैं तथा 1 आरक्षित है, आरक्षित है एंग्लो इंडियन समुदाय को, ठीक है जी। भारत में सबसे कम विधानसभा सीटें सिक्किम की हैं 32,
सबसे कम है ये। और अब हम लोग दोस्तों आ रहे हैं करंट अफेयर के ऊपर। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की है ये। इन्होंने एक पायलट रहित विमान का निर्माण किया जिसका नाम है नागास्त्र। और भारत की सेना ये नागास्त्र खरीद रही है इस कंपनी से, इंडियन से। बाहर की कई कंपनियां थी इस पूरे प्रोसेस में जो इस पूरी बोली में जिन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन ये जीत गया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला, ठेका इनको सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर को मिला। और आपको एक और बात बता दूं कि सूडान एक ऐसा देश है जहां पे गृह युद्ध छिड़ चुका है। अफ्रीकी देश है सूडान, गरीबी बहुत है, वहां पे बुरा हाल है, लेकिन अब लड़ाई हो चुकी है सेना तथा अर्धसैनिक बलों के बीच है। हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बलजीत कौर ये काफी चर्चा में रही पिछले दिनों। क्यों? क्योंकि ये नेपाल में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई कर रही थी, उस दौरान ये एक दर्रे में गिर गई और लापता हो गई थी और इनके मरने की खबर भी फैल चुकी थी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, हम सब की दुआएं इनके साथ थी तो ये जिंदा हैं, सुकुशल हैं। हाँ, अब इनको कोरोना हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा रहेगी, ठीक होंगी। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थीम रहा है विश्व पृथ्वी दिवस का। 2023 में 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसका थीम दिया गया इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ड्रग फ्री भारत का लक्ष्य 2047 रखा गया है, यानी 2047 तक भारत में ड्रग्स पूरी तरह प्रतिबंधित यानी बंद हो जाएंगे, उपयोग में नहीं होंगे। भारत का एक प्रदेश है केरल, यहां पर एक पंचायत एक खेल का मैदान नामक योजना शुरू की गई है ताकि वहां पर बच्चों में खेल की भावना और खेल की आदत विकसित की जा सके। और पहला मैदान कलिकड़ पंचायत तिरुवनंतपुरम जिले में है, कलिकड़ पंचायत, वहां पे जब इस योजना के तहत एक मैदान बनाया गया है। और मैं तो सोचता हूँ ये पूरे भारत में अपनाना चाहिए, ये एक अच्छी रीति है केरल सरकार की। ग्राउंड होना ही चाहिए और बच्चों को खेलना ज़रूरी है। जो बच्चा दिन में दो घंटे एक दो घंटे खेल लेता है वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। खैर, भारतीय चुनाव आयोग एक नई पहल कर रहा है कर्नाटक में के विधानसभा चुनावों में, वोट फ्रॉम होम विकल्प दे रहा है, यानी घर से आप वोट डाल पाएंगे। ये सुविधा अभी सिर्फ 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है या फिर जो दिव्यांग जन है उनके लिए है, लेकिन ये वोट फ्रॉम होम विकल्प कर्नाटक से शुरू होगा। दुनिया का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप जिसका निर्माण एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किया था, लॉन्चिंग के बाद ये असफल हुआ, इसमें ब्लास्ट हो गया था। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाला रिकॉर्ड संदीप लामिछाने ने बनाया है। ये नेपाल के क्रिकेटर हैं संदीप, और इन्होंने 42 मैचों में 100 विकेट चटकाए हैं। 2025 तक भारत 121 हवाई अड्डों को कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है। और जिस तरह सरकार हमारी परफॉर्म करती है, एक बार डिसाइड कर लिया फिर इसको लंबे समय तक पूरा करने की इच्छा रखती है दृढ़ संकल्प के साथ, ये लक्ष्य भी पूरा होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, हूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में नंबर वन पर यूएसए है, 666 यूनिकॉर्न्स हैं यूएसए में। उसके बाद आ जाता है चाइना जिनके पास 316 यूनिकॉर्न्स हैं। फिर आ जाता है भारत, यहां पर है 68। और यूनिकॉर्न क्या होते हैं? यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियां हैं जो बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए $1 बिलियन से अधिक का व्यापार करती हैं, यानी के 100 करोड़ से अधिक वाली कंपनी हो गई है 1 बिलियन, और डॉलर उससे भी बड़ी बात, $1 बिलियन। तो भारत तीसरे नंबर पे पहुंच गया है और
भारत की बी वाई जे यूज बायूज जो है ये नंबर वन पे कंपनी है, ये भी यूनिकॉर्न कंपनी है। अच्छा, दुनिया का जो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न वाला यूनिकॉर्न कंपनी है जिस शहर में, वो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए का। 181 कंपनियां इस शहर से चलती हैं, 181। और भारत के युवाओं को ये सीखना चाहिए कि हमें कैसे व्यापार को, बिजनेस को आगे लेकर के आना है ताकि औरों को रोजगार भी मिले। वहां सरकार ही नहीं करती, साधारण जनता भी खूब मेहनत करती है। दैट इज वाई 666 यूनिकॉर्न्स अमेरिका में हैं। हम भी पीछे नहीं हैं, बड़ी जल्दी पहुंचेंगे। अमेरिका वालों को बड़ा सावधान होना होगा। खैर, दीपिका मिश्रा ये राजस्थान की हैं और वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिला है। वायुसेना मेडल मिला है इनको, यानी पहला गैलेंटरी अवार्ड जो अगर किसी वायुसेना की महिला ने पाया है तो वो है दीपिका मिश्रा राजस्थान से। जल शक्ति मंत्रालय ने, जैसे जनगणना होती है ऐसे ही जल निकायों की जनगणना करवाई जनगणना नहीं। तो इसके अनुसार भारत में सबसे अधिक जल निकाय, जल के स्रोत जहां पानी इकट्ठा रहे, पश्चिम बंगाल में है। 7.47 लाख वाटर रिसोर्सेज है वहां पे। और सिक्किम में सबसे कम है, 134। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी लेकर के मैं रेगुलरली आने वाला हूं, लेकिन आप लोगों ने लगातार मेहनत करनी है। यही सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में, खूब मेहनत। और याद रखिएगा, रोज यानी अब अभी सब कुछ हो ये याद रखना है। आज अभी इस समय जो आप कर लेंगे, चाहे वो खुश होना हो, एंजॉय करना हो, इसी क्षण में होता है। कल करेंगे, फिर होगा, ये कर लेंगे, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दिमाग में से निकाल दो अभी। तो मेहनत जो करनी है वो अभी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं।